नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल शर्मा इस समय मानसो पार्क के डीडीए फ्लैट के प्राचीन शिव मंदिर पर हूं। यहां पर देखने में आ रहा है कि यहां पर बसंत पंचमी के पावन अवसर पर, पावन पर्व पर यहां पर भंडारे का आयोजन किया है यहां के स्थानीय निवासियों ने। परमानंद शर्मा जी हमारे बीच में है। परमानंद शर्मा जी, बसंत पंचमी पर क्या संदेश, क्या शुभकामनाएं? देखिए, बसंत पंचमी हिंदुओं का एक बहुत धार्मिक त्यौहार है और पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि आज जो डीडीए फ्लैट में प्राचीन शिव मंदिर जो बनाया गया है इसका उद्धार हुआ और इसके बारे में आज भंडारा भी है। उद्धार नहीं हुआ, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये खूब अच्छी तरीके से सब लोग इसमें आए, सब पूजा करें। आज आप लोगों ने लगभग यहाँ पे एक छोटा सा भंडारे का भी आयोजन किया है। सब ये हमारे डीडीए फ्लैट के प्रेसिडेंट की मेहरबानी है, उन्होंने ये सब आज आयोजन किया। हमें बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है और भगवान से प्रार्थना है कि सब इसको कुशल मंगल से पूजा करें, सबको आशीर्वाद लें भगवान। बहुत बढ़िया सर, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? बसंत पंचमी की सभी को बधाई। और आज आप लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने ये भंडारे का भी आयोजन किया है। जी, वो तो निवासियों ने सभी ने रिक्वेस्ट करी कि भंडारा होना चाहिए, काफ़ी समय बाद मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके उद्धार हुआ है जी। तो इसी खुशी में भंडारे का आयोजन किया जाए। मंदिर की बात करें तो बताते हैं काफ़ी पुराना है और काफ़ी सिद्ध भी है। जी हाँ, ये काफ़ी पुराना है, जब डीडीए फ्लैट नहीं बने थे उस समय का है ये। पहले यहाँ पर जब खेत हुआ करते थे और सामने ट्यूबवेल होती थी तो लोग बाग जैसे बच्चे वगैरह यहाँ डेथ होती थी गाड़ के ट्यूबवेल पर नहा के इसी मंदिर पे हाथ जोड़ करके आगे बढ़ा करते थे। लेकिन यहाँ पर जब डीडीए फ्लैट्स बन गए, लोग बाग फ्लैट के कुछ लोग थे, पूजा पाठ करते थे यहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ पे कूड़े घर का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे लोगों ने आगना बंद कर दिया था। और ये जब पार्क का भराव किया गया तो मिट्टी के नीचे वो शिवलिंग हमारा दब गया था। तो आप ही आरडब्ल्यू के यहाँ पे अध्यक्ष हैं? जी हाँ, आरडब्ल्यू का मैं ही अध्यक्ष हूँ। क्या शुभ नाम है? मेरा देवी प्रसाद सिंह, आशीष ठाकुर नाम है जी। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? सर, शुभकामना पहले तो भारत टीवी के लिए जो इतने बड़े इनिशिएटिव लिया और भंडारे का कवरेज किया। ये शिव मंदिर का पुनरुद्धार काफ़ी समय बाद, काफ़ी यहाँ इतने 600 डीडीए फ्लैट्स, इसके अलावा और लोग हैं, कम से कम 10 से 12 हज़ार लोगों के पब्लिक गैदरिंग का है जी, जी, जी। तो उस बारे में ये ठाकुर साहब का, आपके शर्मा जी का और चतुर्वेदी साहब का, बाहर और शर्मा जी का, इधर इन लोगों ने इतना इनिशिएटिव था कि इतने 10 से 15 हज़ार लोग गैदरिंग के बाद एक मंदिर का पुनरुद्धार करने, बहुत बड़ा इन्होंने अचीवमेंट किया है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरस्वती पूजा के साथ इन्होंने आज इसका पूजन भी कराया और अथाह भंडार चल रहा है, पब्लिक आ रही है, जा रही है और डीडी फ्लैटों में ये बहुत ही शुभ कार्य के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव साहब ने लिया है, बहुत अच्छा। क्या शुभकामना देंगे बसंत पंचमी के अवसर पर? राहुल भाई, आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बड़ा खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके। मैं देखता हूँ इन लोगों ने अभी पिछले समय में, आपको बताऊँगा, एक सत्यनारायण कथा करी थी जी। तो वहाँ पे जब मैंने देखा इतना लोगों में प्यार, इतना एका इस डीडीए फ्लैट के अंदर जो देखने को मिलता है, मुझे लगता है शायद भारतवर्ष को वो देखने की बहुत ज़रूरत है। आज हम जिस कोरोना महामारी से हम जो लड़ाई हमने लड़ी है पूरे हिंदुस्तान ने, वो इस भगवान की बदौलत ही हम लोगों ने जीती है, इसमें कोई दोराई नहीं है। तो मेरा ये मानना है इस प्रभु का आशीर्वाद सदा हमारे सर पे बना रहे। और ये जो इन्होंने भंडारा करा, इसमें इन्होंने मुझे बुलाया, मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे पहले सत्यनारायण की कथा में भी बुलाया था और मैं लगातार हम इनके प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, तो एक अच्छा हमेशा प्रोग्राम करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इनसे बहुत जल्दी और भी कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करेंगे, उसमें हमें बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊँगा बिल्कुल उसके अंदर। इतनी खुशी की बात है, गौरव में बात है कि भारत के अंदर अयोध्या का मंदिर भी बन रहा है और हमारा ये प्राचीन शिव मंदिर भी। देखिए, मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ ब्राह्मण होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। और इस बात का भी मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ में मेरा मेल मिलाप है जो डीडीए फ्लैट के अंदर, जिन्होंने बड़ा अच्छा मंदिर का निर्माण, तो अलग बात होती है, उस मंदिर को सजोना अच्छी तरह से, बिल्कुल उसे इस तरह से सजो रहे हैं यहाँ पे लोग। मैं शाम को भी कल आया था, एक बार मेरे चक्कर लगा तो एक यहाँ किसी से मिलने आया था तो आरती हो रही थी जी। तो घंटी की जगह आवाज गूंज रही थी ना डीडीए फ्लैट के अंदर, तो बड़ा अच्छा मधुर संगीत था, बड़ा आनंद आ रहा था। बुजुर्गों की बात करें तो यहाँ शिव चालीसा और गणेश चालीसा वगैरह का भी पाठ बहुत बढ़िया, मतलब समय बहुत बढ़िया कटता है। देखिए, इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। कोई कहते ना कि अगर भगवान ने आपकी एक बार डोर थाम ली तो कोई इसे छेड़ ही नहीं सकता, तो ये सच्चाई है, वो डोर लग गई है जैसे कौन छेड़ेगा उसे जी।
और स्थानीय निवासियों से बात कर लेते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे, आप इस आरडब्ल्यू के अंदर महामंत्री के पद पे हैं, क्या कहना, क्या शुभकामना देंगे बसंत? मैं सभी को वसंत पंचमी की पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि हमने जब इस शिवलिंग को निकालने की बात करी तो कॉलोनी के इतने लोग हमारे संग रातों रात खड़े रहे, पूरी रात यहाँ 100 से ज़्यादा लोग एकत्रित रहे, बुजुर्गों ने हमारा भरपूर साथ दिया और हमने उसे लगा के दोबारा उसका स्थान उनको दिया। तो बस सब हमारे जो लोगों ने हमारे को समर्थन दिया है हमें इससे बड़ी खुशी मिली है और हम चाहेंगे आगे इसी तरह हमें लोग समर्थन देते रहें और हम इस कार्य को और थोड़ा सा अच्छे सुचारू रूप से चलाएं। क्या मंदिर को और अभी बहुत बढ़िया तरीके से बनाने का है या जैसे जैसे प्रभु इच्छा? जैसे प्रभु की इच्छा है जी, मंदिर को तो हर आदमी बढ़ाना चाहता है, लोगों के बहुत मन में सपना है कि यहाँ पर ये भी होना चाहिए, यहाँ पर ये मंदिर भी होना चाहिए, ये पक्की दीवारों से होना चाहिए, बिल्कुल। पर हमने हर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल हमने भगवान को सही स्थान दिया ताकि जो वो मिट्टी में धंसे हुए थे उससे निकाल के हमने एक चबूतरा मात्र, क्योंकि डीडीए के पार्क में ये मंदिर पुराना है, डीडीए के पार्क में और पुराना मंदिर है और पहले मंदिर पास में होता था, वहाँ पर डीडीए की ही सोसाइटी की तरफ से या और एमसीडी की तरफ से दीवार कराई गई है जिसका केस पहले चल रहा था, तो डीडीए के नक्शे के हिसाब से डेवलप हुआ, मंदिर नहीं रहा, बुजुर्ग लोग जाते थे, एक्सीडेंट होते थे रोड पार करने में, मंदिर दूर था। अब जिस दिन से यहाँ मंदिर बना है, मतलब शायद हम मंदिर खुलता बाद में लोग यहाँ पहले आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं। आप क्या कहना सब भाई साहब? बहुत अच्छा है जी, बुजुर्गों के लिए जो इन्होंने फैसिलिटी दी है बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत दूर दूर तक जाते थे, बहुत खुश हैं जी सब जो है।